आपको इससे पहले शीत वाला कपड़ा करवाया है। अब ये बताएंगे कि इसके बाद हमारा क्या प्लान होगा जी? आप अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ डस्का को एक्सप्लोर करने, क्योंकि भाई मैं आज डस्का में मौजूद हूँ, तो सोचा खुद भी डस्का घूमा जाए और आपको भी दिखाया जाए। तो घूमने से पहले आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। डस्का जो है वो बेसिकली सियालकोट की एक तहसील है, जो गुजरांवाला से 25 किलोमीटर और सियालकोट से 26 किलोमीटर के फासले पर है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो इसकी आबादी तकरीबन 501,000 के राउंड अबाउट है। और डस्का का जो पुराना नाम था वो था डस्को, और अब इसको डस्को क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पुराने ज़माने में जो इसके साथ शहर लगते थे, लाइक पसरूर था, वज़ीराबाद था, गुजरांवाला था, सियालकोट था, उन सारे शहरों के दरमियान में मतलब हर जगह से इसका फासला डस्को का बनता था, इसलिए इसका नाम डस्को पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम बिगड़ते हुए डस्का पड़ गया। तो जनाब ये तो थी डस्का की हिस्ट्री। अभी हम चलते हैं जनाब शहीदावाला कब्रिस्तान में, जो कि डस्का का एक मशहूर कब्रिस्तान है, और बाकी जो बातें हैं वहाँ जाए करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो जी गाइस, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीदों वाले कब्रिस्तान में, जो कि डस्का का मशहूर कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान के मशहूर होने की जो वजह वो ये है, मैं 1965 की जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, उसमें जिस शहदा ने शहादत नसीब की थी, जो शहीद हुए थे पाकिस्तान के लिए, उनकी तकरीबन 12 से 13 जो कब्रें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बिल्कुल उस हादसे में मौजूद हूँ जहाँ पर ये कब्रें बनी हुई हैं। मेरे आग की लेफ्ट हैंड पे और मेरे राइट हैंड पे जो कब्रें बनी हुई हैं, बिल्कुल उन शहदा की हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ हमारे लिए, हमारे प्यारे मुल्क के लिए दी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से शहदा जो हैं जहाँ पे दफन किए गए हैं, जो शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला इनको इनके दर्जात बुलंद करे और इनको जन्नत और फिरदौस में। शहीद तो वैसे भी जन्नत ही होते हैं, लेकिन हम जो है उनके हक में दुआ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मेन वजह ये होती है कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे मुझे कब्रें हैं मेरे साथ। तो जी गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग है उसका टॉपिक है डस्का, क्योंकि हम डस्का को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं शहीदावाला कब्रिस्तान, डस्का के बारे में बता चुके हैं। अभी हम जो जा रहे हैं वो डस्का का मेन बाजार है। कहते हैं कि किसी भी शहर का जो हब होता है वो उसका मेन बाजार होता है, और इसका बड़ा खूबसूरत मेन बाजार है जहाँ पे हर किस्म की वैरायटी मिलती है। तकरीबन बहुत से जो आसपास के गांव होते हैं वो यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे यहाँ की मोबाइल मार्केट, और हम एंड पे जो है वो अपने ब्लॉग का वो चलेंगे, हम आपको लेके खुद भी जाएंगे, इंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ की फूड स्ट्रीट जो है वो कितनी फेमस है, कितनी मशहूर है। और यहाँ का जो फूड स्ट्रीट का सबसे अच्छा खानों में से है वो इसकी चपली कबाब है। क्यों आफ्ताब, चपली कबाब का आफ्ताब कह रहे थे, मैं आफ्ताब का इंट्रोडक्शन तो करवाना भूल गया हूँ। आफ्ताब भाई हैं, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, डस्का से ये बिलोंग करते हैं, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पढ़े बने, मतलब डस्का से हैं ये, और यहीं हमें जो है ना पूरा डस्का घुमा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं मेन बाजार में, उसके बाद फिर जो है ना वो हम चलेंगे फूड स्ट्रीट में मेरे साथ। तो जी ये है डस्का का मेन बाजार,
कहा यह जाता है कि 365 गांव डस्का को लगते हैं जो इस बाज़ार में आते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो इस बाज़ार को दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा व्लॉग जो है वो डस्का पे है। तो अभी जो है हम थोड़ा लेट हो गए हैं, इस वजह से इतना आप देख रहे होंगे कुछ दुकानें इसकी बंद हो गई हुई हैं और कुछ खुली हुई हैं। काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है, खुला डुला बाज़ार है। तो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पेशावरी चपली कबाब एंड काबली पुलाव। ये डस्का का बहुत मशहूर चपली कबाब भी है और काबली पुलाव भी है। अभी हम जाते हैं और देखते हैं। तो जी गाइस ये बन रहा है, ये है चपली कबाब, ये बना रहे हैं जी चपली कबाब। ये मशहूर चपली कबाब है डस्का का, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई, भाई की फरमाइश भी हम ऊपर आ जाते हैं यार। ये तो देखने में बड़ा मजे का लग रहा है, बेहतरीन खुशबू इसकी बड़ी कमाल की आ रही है। अभी टेस्ट भी करते हैं, पहले आपको दिखा लें। आवाज भाई यहाँ पे हम आ तो गए हैं, हमें ट्राई भी तो करवाएं यार। ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब मुझे तलब नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ पे खुशबू सूंघ के मुझे ना इतना मजा आ रहा है यार। तो अभी जो है ना चलते हैं, ठीक है, अभी हम करते हैं, चलें जी। क्या बात है यार, क्या मजा है, एंजॉय यार, वाकई इसका टेस्ट है भाई। Thank you.